हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स को प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी एसएससी का नया शेड्यूल जारी हो चुका है, आप सभी जानते हैं, और उस हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग कर चुके हैं, डेली पढ़ रहे हैं, डेली हर चीज़ों को सीख रहे हैं, कुछ नए चीज़ें भी सीख रहे हैं, कुछ पुराने चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉइस और टेंस। ठीक है, टेंस हम लोग कल पढ़ चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उनमें भी हर प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि जितने प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में या आ चुके हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को समझेंगे, उन्हें बनाएंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या था कि ता हूं, ती है, ते हैं, लगा रहे। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि रहा हूं, रहे हैं, रहा है, इत्यादि लगा रहे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने का जो पहचानने का जो नियम होता है वो होता है कि किसी वाक्य के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुका है, चुकी हूँ, चुकी है, आदि लगा रहे, या फिर या है, ई है, ए है, इत्यादि लगा रहे वाक्य के अंत में। ठीक है, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम। ठीक है, देखिए, जैसे हम लोग कुछ सेंटेंस को लेते हैं, एग्जांपल को लेते हैं। मैंने आम खाया। अभी समर का है ना समय, इसलिए हम बार बार आम को ले रहे हैं, क्योंकि आम मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो हम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए आम को याद कर रहे हैं। ठीक है, आम, मैंने आम खाया है, या फिर मैं आम खा चुका हूँ, जितना खाता हूँ उतना ज़्यादा खाने का मन करता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आम खाया है या फिर चुका हूँ, मैं आम खा चुका हूँ। देखिए, या है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक, या फिर चुका है, चुका हूँ यहाँ पर देखिए लगा हुआ है वाक्य के अंत में, तो ये दोनों एक ही सेंटेंस में आएंगे, मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। अब इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब हमेशा भीतरी फॉर्म में होगा। अब एक और यहाँ पे बात कि हैज हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगना है, हैव किसके साथ लगना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक नोट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ही सी नेम इट और जितने भी सिंगुलर नाउंस होंगे, यानी कि एक वचन जितने भी नाउंस होंगे, ठीक है, इनके साथ आपको लगाना है हैज। दे, वी, यू, आई, जितने भी प्लूरल नाउंस होंगे इनके साथ आपको लगाना है हैव। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रक्चर पे अब हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होता है, तो सब्जेक्ट मेरा है मैंने, यानी कि आई, इसमें भी वही है। फिर आपका हैज या हैव, तो हैव इसमें लगेगा, क्यों लगेगा, यहाँ देखिए आई के साथ हमें क्या यूज करना है, हैव, तो आई हैव। उसके बाद हमें अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खाना का क्या होता है, ईट होता है, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट और ईटन, यानी कि एट हो गया आपका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ईटन, तो आई हैव ईटन और आम का मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये आपको ध्यान रखना कि अगर ये आपसे कोई पूछ दे कि ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आपको बताना होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, अफर
नेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, ये आपका हो गया सकारात्मक वाक्य। अब इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग साथ साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेंस और वॉइस। अब हम लोग जो है इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में अगर इसे हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से अपना नोट्स इसे बना लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इस सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो और एक बात हम लोग जानते हैं वॉइस में कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारा अ मैंगो, तो पैसिव वॉइस में ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमारा अब मैंगो जो है ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि सिंगुलर नाउन जितने भी होंगे उनके साथ हमें हैज़ लगाना है, ठीक है, तो ये हमारा नाउन जो है सिंगुलर है, एक वचन है, तो अ मैंगो के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ठीक है, हैज़। अब यहाँ पे आपको लगाना होगा बीन, अ मैंगो हैज़ बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, तो ईट एट ईटन, फिर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बाई, और आई का क्या हो जाता है मी, कल हम लोग पढ़े थे कि आई का मी, यू का यू, दे का देम, ही का हिज, सी का हर, इस प्रकार से वो प्रोनाउन में बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंगो हैज बीन ईटन बाई मी, यहाँ पे हमारा सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस एक प्रकार से, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। हम लोग टेंस भी पढ़ रहे हैं और वॉइस भी पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा आपका समय का बचत होगा, साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे, कहीं पर कन्फ्यूजन अगर आपको होगा अभी भी तो अब जो है आप सेंटेंसेस को देखकर उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को, देखिए नेगेटिव जो वर्ड है ये एसएससी या और वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, नेगेटिव का करेक्टली स्पेल्ड आपसे पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में गलत करके आते हैं बहुत सारे लोग, तो करेक्ट स्पेल्ड ये है एन ई जी ए टी आई भी, एग्जाम में आपको ए की जगह ई कर देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए होता है एन ई जी ए टी आई भी। चलिए तो ये हुआ आपका एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी हम लोग सीख लिए। इसमें अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो मैंने आम नहीं खाया है, तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नॉट का यूज कर लेना होगा, नॉट प्लस बी थ्री प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाते हैं, तो क्या हो गया आई, आई के साथ हैव लगना है, नॉट ईटन अ मैंगो, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो। देखिए इन सारे स्ट्रक्चर्स का एक जगह आपको लिखकर, जब हमारा प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स खत्म हो जाएंगे, जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी चल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे ही ये चारों लेसन चारों टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो इसका आपको जो है एक जगह करके टेंस के जितने भी जिस तरह से बनते हैं सारे का स्ट्रक्चर और वॉइस जिस तरह से बनते हैं उन सारे का स्ट्रक्चर एक जगह आपको लिख कर दिया जाएगा, फिर जैसे पास्ट खत्म होगा फिर फ्यूचर खत्म होगा सारे को आपको पीडीएफ मिलेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पे द इम्पीटस अकेडमी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे वेरियस पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि जीएस के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, या फिर आपको एग्ज़ाम के एक मंथ पहले, जैसे कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम को अगस्त में होना है तो फिर से आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, वो भी फ्री रहता है और उसका पूरा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे दिया जाता है, जैसे कि आप सीजीएल या सीएचएसएल के समय देख सकते हैं पिछले साल के समय, वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए गए थे, लगभग 30 से 32 मॉक टेस्ट कराए गए थे, जो कि सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे स्टूडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, आप उनके कमेंट्स भी देख सकते हैं वीडियोज़ के लास्ट में, तो वहाँ पर जो है सारे मॉक टेस्ट फ्री थे और सारे का सॉल्यूशन दिया गया था और उनमें से लगभग 70-75% क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से आए थे डायरेक्टली, ठीक है, और उसके साथ साथ जो एमबीए पब्लिकेशन का सॉल्यूशन हम लोग साथ साथ में कर रहे थे वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ था। सीजीएल में तो जो हम लोग करके गए थे वो एमबीए के
सॉल्यूशन, उनमें से कुछ जो पैसेज, इवन यहाँ तक के पैसेज भी जो है हुबहू एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। साथ साथ में आपको SSC 45 डेज प्लेज भी चल रहा है, उसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइटम्स कराए जा चुके हैं। फिर आपको एरर डिटेक्शन यानी कि स्पॉट एरर को स्पॉट करना एक सेंटेंस में, वो भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और जितना हो सके चैनल को शेयर करते रहिए ताकि और भी जो लोग हैं इसे देखें और हमारे साथ जुड़े और सीखें, क्योंकि सीखना समझना ही हमारा मकसद है। अगर आप सीखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होगा आप खुद को और बेहतर बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस पढ़ाई जारी रखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, द इम्पीटस अकेडमी, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा कुछ दिनों बाद, जब एग्ज़ाम के एक मंथ पहले होगा, यानी कि अगर अगस्त में एग्ज़ाम होना है तो जुलाई में आपको मॉक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा विद सॉल्यूशन, वो भी यूट्यूब पे पूरा डिटेल में। तो चलिए देखते हैं, ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी से हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका नेगेटिव का, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग पैसिव वॉइस में से बनाएंगे। तो चलिए इसी सेंटेंस को, मैंने आम नहीं खाया है, को इसको हम लोग ट्रांसलेट पहले कर लिए, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो। अब इसी, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, यही हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा अ मैंगो। अब इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, तो हैज यूज करेंगे क्योंकि हमारा नाउन जो है सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज हुआ है। उसके बाद फिर आपको यूज करना है नॉट, अ मैंगो हैज नॉट, और उसके बाद फिर आपको यूज करना है बीन, फिर आपको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन, फिर आपको यूज करना है बाई और आई का मी, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अ मैंगो हैज नॉट बीन ईटन बाई मी, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से आएगा, तो क्या मैंने आम खाया है या क्या मैं आम खा चुका हूँ। ठीक है, ये दोनों एक प्रकार के सेंटेंस हैं। तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो गया, अब अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो हैज़ या हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका V3, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव मार्क देना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसे बनाते हैं। तो पहले हम, मैं है मेरा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं है, तो इसके अनुसार हम अपना हेल्पिंग वर्ब भी लेंगे। तो यहाँ पे हैव हो गया, हैव आई ईटन अ मैंगो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा हैज या फिर हैव प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका बीन प्लस आपका V3 प्लस आपका बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका इंट्रोगेटिव मार्क, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में चेंज करने का। तो चलिए चेंज करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, हैज़ अ मैंगो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, तो हैज़ अ मैंगो बीन ईटन बाई मी, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर और इस पर हम लोग इस पर सोल्व भी कर लिए। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस साथ साथ। ठीक है, एक हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि चार तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में, तो हम लोग चारों प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इंट्रो प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये शॉर्ट में हम लिखे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैंने आम नहीं खाया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मार्क। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर आपका सब्जेक्ट,
फिर आपका नॉट, फिर आपका भार बाय थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो। देखिए इस स्ट्रक्चर पे बन गया ना, हैव, फिर आपका सब्जेक्ट आई, फिर आपका नॉट, फिर आपका भीतरी यानी कि वर्ब बाय थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट यानी कि मैंगो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क। हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में अगर हम लोग इसे चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर। तो अब इस पर हम लोग सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? हैज अ मैंगो नॉट बीन ईटन बाई मी इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए ये पैसिव वॉइस में तुरंत चेंज हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप हर प्रकार के टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं, और उसे पैसिव वॉइस में अगर आपको चेंज करने के लिए कह दिया जाए तो आप तुरंत कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, और सबसे पहले ये समझना है कि आप जो सेंटेंस को बना रहे हैं वो किस टेंस में है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसे ट्रांसलेट भी कर लेंगे और फिर उसे वॉइस में भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये तीनों लेसन्स और इस पर एक रिवीजन भी आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर रिवीजन आपको मिल गया है, तो आप कर लीजिएगा रिवीजन। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप जाकर देख सकते हैं इन्हें भी और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।